अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अतारी बहरिया टाउन कराची से, और आप देख रहे हैं राइजिंग बहरिया। नाज़रीन, इस वक्त हम बहरिया टाउन कराची के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे मौजूद हैं जो बड़े रिकॉर्ड मुदत में बनाया गया है। इसकी बाकी तफसीलात जानने से पहले सबसे पहले बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से यहाँ तक का फासला देखते हैं और फिर इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। तो आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया टाउन कराची के मेन सिग्नेचर गेट पे जो सुपर हाईवे पे है, और यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन 3 मिनट की ड्राइव के बाद हम मेन जिना एवेन्यू से गुजरते हुए थीम रेजिडेंसी 1 और 3 की साइट लोकेशन पर पहुँचेंगे। मेन जिना एवेन्यू पर गुजरते हुए जैसे ही आप थीम पार्क के पास पहुँचेंगे तो सामने ही आपको एक बहुत बड़ा क्लॉक बना हुआ दिखेगा। वो क्लॉक जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पर टर्न लेंगे और टर्न लेते ही थोड़ा आगे जाके मलिक स्क्वायर आ जाएगा। इस मलिक स्क्वायर में 3rd एग्ज़िट लेंगे और हेड ऑफिस की तरफ चले जाएंगे। ये सामने जो आपको ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये थीम रेजिडेंसी की साइट लोकेशन है 1 और 3 की। ये सामने अभी हेड ऑफिस पहुँचे, हेड ऑफिस के सामने ही प्रिसेंट 4 है। यहाँ से यू टर्न लेंगे और प्रिसेंट 4 में 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जिनकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ रुपए तक पहुँच चुकी है। उसी के पास ही ये अपार्टमेंट्स हैं और थोड़ा ही आगे जाके ये सामने हम पहुँच गए थीम रेजिडेंसी। जी तो नाज़रीन, आपने देखा ये बहरिया टाउन कराची के मेन गेट से सिर्फ तकरीबन कोई 4 किलोमीटर के फासले पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया। इसकी मैं आपको कुछ खसूसियात बताता हूँ। सन 2020 के आखिर में दिसंबर में ये प्रोजेक्ट की डिगिंग की गई और ये 266 गज़ के 2 प्लॉट्स के ऊपर 550 गज़ के तकरीबन, कुछ एक्स्ट्रा लैंड भी थी, कुल मिला के तकरीबन 550 गज़ के ये प्लॉट के ऊपर बनाया गया। और इसकी डिगिंग से लेके इस वक्त तकरीबन कोई 1 साल और 1 महीना गुजरा। इतने कलील मुद्दत में ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो चुका, अंदर से फिनिशिंग का काम शुरू हो गया है, इसकी इलेक्ट्रिक वायर डल चुकी हैं, अंदर टाइल का काम चल रहा है, और ऑन ग्राउंड ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि ऑन ग्राउंड विज़िट करने से इसका ताल्लुक है। जो लोग कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, जो डेवलपमेंट को जानते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। और ये तकरीबन 1 साल 1 महीने का प्रोजेक्ट था, मतलब अभी जो वक्त गुजरा है दिसंबर इसी 2022 के आखिर में इसका कब्ज़ा दे दिया जाएगा। ये इतना पसंद किया गया लोगों ने, इतना पसंद किया कि इसके बाद थीम रेजिडेंसी 2 लॉन्च किया गया। ये थीम पार्क के ऑपोजिट साइड पर ये थीम रेजिडेंसी 2 है। इसकी एक अलग से वीडियो में आपको बाकी तफसीलात बताई जाएंगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये उसके बाद थीम रेजिडेंसी 3 लॉन्च किया गया, ये भी थीम रेजिडेंसी 1 के साथ ही बनाया जा रहा है, और ये भी 2 प्लॉट्स के ऊपर है, ये भी तकरीबन 550 गज़ पे बनेगा, और इसमें भी बुकिंग अवेलेबल है। और अगर आप इसमें अपना अपार्टमेंट बुक करवाना चाहते हैं, शॉप बुक करवाना चाहते हैं, अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। और आप इसके अलावा बहरिया टाउन कराची में कोई और प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, ज़रूर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें बहरिया टाउन कराची से मुतल्लिक। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखनी है तो आप तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे आप हमारा #RisingBahria इस्तेमाल करके आप हमें बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। आप बहरिया टाउन कराची जब भी आएँ ज़रूर हमारी साइट ऑफिस पर भी आएँ, और इसमें थीम रेजिडेंसी में आप अपना अपार्टमेंट बुक करवाने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।